अरे भैया पलक कल एक्सीडेंट हुआ था, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और घर वाले एकदम अड़े हुए हैं कि हम जब तक मुआवजा नहीं ले लेंगे तब तक हम गाड़ी नहीं जाने देंगे। जद्दोजहद चल रही है, कसमकस चल रही है। यहाँ पर चौकी इंचार्ज रविकांत मिश्रा गैपुरा पहुँच चुके हैं। वाजिब भी है, न्याय होना चाहिए, जो मुआवजा उनका बनता है उसको मुआवजा मिलना चाहिए। क्या क्या मामला है आपका? हमारा यही है कि ये लोग हमारा मुआवजा नहीं दे रहे हैं। अभी ना मुआवजा दिए हुए दबंगई से ट्रक अपना ले जाना चाहते हैं। कब हुआ था ये घटना? कल साढ़े तीन बजे हुआ था ये घटना। मुआवजा नहीं मिल रहा आपको? मुआवजा नहीं मिल रहा, दबंगई करके ये लोग ले जा रहे हैं। मालिक कह रहे हैं 4 बजे पुलिस को भी पैसा दे दिया है, काम को भी पैसा दे दिया है। मालिक मालिक यहाँ पे आना नहीं चाहता। हम लोग चाहते हैं पहले मुआवजा मिले उसके बाद गाड़ी है। हाँ, हम लोग का मुआवजा दे दे, हम लोग कमाए खाए। कितने का नुकसान हुआ है लगभग आपका? लगभग 10 लाख का हुआ। आपको तो देख रहे हैं 10 लाख का हुआ। हम लोग का कमाने खाने लायक थोड़ा नहीं है। जिम्मेदार हमारा सुबह बेटा निकल रहा था घर से बाहर, पटिया बच्चे से पूछ लीजिए ना। बोलो तुम्हें पटिया गिरा था? नहीं, कैसे गिरा था? बोलो बोलो पटिया गिर गया था तुम्हारे ऊपर? नहीं, बच गए थे। बस इतना पर रहा, इतना से इतना गोल बढ़ा हो तुम। देख ले यहां पे, देख ले खोले।